हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर चैप्टर इलेवन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स क्लास सेवन सी बी एस ई और एन सी आर टी साइंस स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है स्टूडेंट नेम सम यूजफुल प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स दैट आर कैरिड बाई बर्ल्ड कि हमारी बॉडी में स्टैंड ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिन्हें हमारा बर्ल्ड पूरी बॉडी में ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करता है कि फूड वाटर एंड ऑक्सीजन ये थ्री मटेरियल्स स्टैंड आर कैरीड बाय बर्ल्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कि बर्ड बॉडी के हर पार्ट तक लेकर जाता है सेकेंड स्प्रेंड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर ऑर्गन्स कि हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली थ्री ऑर्गन होते यानी थ्री पार्ट्स होते हैं नेम दोज ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स के नेम बताइए कि बर्ड बर्ड वेसल्स एंड हार्ट ये थ्री मेन पार्ट हैं स्टूडेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन नंबर थ्री गिव द नेम ऑफ बर्ल्ड कंपोनेंट यानी बर्ड के उस कंपोनेंट यानी पार्ट का नेम बताइए विच इज़ लिक्विड जो कि लिक्विड होता है एंड कंटेंस नाइंटी परसेंट वाटर और जो कि जिसका नाइन्टी परसेंट पार्ट वाटर से बना होता है उस कंपोनेंट का नेम है स्टैंड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर फोर ह्यूमन बर्ल्ड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स कि हुमैन्स बर्ल्ड को मेनली कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है नेम देम। उनके नेम बताइए हुमैन बर्ल्ड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स कि स्टूडेंट फोर ग्रुप्स में हुमेन्स के बर्ड को डिवाइड किया गया दीज आर ए बी ए बी एंड ओ ये फोर ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट सभी हुमैन्स के अंदर इनमें से कोई ना कोई ग्रुप का बर्ड पाया जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हुमेन हर्ट कि हमारे हर्ट के कितने चैम्बर होते हैं यानी कितने पार्ट होते हैं फोर चैम्बर्स कि फोर चैम्बर यानी फोर पार्ट होते हैं टू अपर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट टू लोअर पार्ट होते हैं और टू पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच बल्ड होता है और टू पार्ट्स में यानी टू चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड होता है नंबर सिक्स विच साइड ऑफ द हर्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच बल्ड कि हमारे हर्ट के कौन से साइड ऑक्सीजन रिच बल्ड पाया जाता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हर्ट है? कि हमारे लेफ्ट एंड को जो हर्ट का पार्ट है उसमें ऑक्सीजन रिच बल्ड होता है जो कि लंग्स से हमारे हर्ट में आता है नंबर सेवन विच साइड ऑफ द हर्ट विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड हमारे हर्ट के कौन से साइड होता है राइट साइड ऑफ द हर्ट के हमारे राइट हैंड को हमारे हर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच बल्ड होता है जो कि वापिस लंग्स तक पहुंच जाता है नंबर एट हाउ मैनी यू हाउ मच यूरिन इज पास डे डेली बाई एन एडल्ट ह्यूमन बींग्सी किए कि युवा व्यक्ति एडल्ट पूरे दिन में कितना यूरिन उसकी बॉडी से रिमू होता है यानी पास होता है कि वन टू वन पॉइंट एट लीटर यूरिन हमारी बॉडी से रिमू होता है इसलिए स्टूडेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वोटर पीने से हमारी बॉडी के जो वेस्ट सब्सटेंस हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं वट इज़ ए द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन यूरिन कि यूरिन में जो यूरिया सब्सटेंस होता है जो कि हार्मफुल सब्सटांस स्पेंट हमारे बल्ड में जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा बाहर निकल जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा सॉरी स्पेंट एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा यूरिया हम यूरिन द्वारा हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है तो इसका कितने परसेंट होता है यूरिया का टू पॉइंट फाइव परसेंट बाक़ी उसमें वाटर होता है इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए ताकि जो यूरिया सब्सटेंस है उसके साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से रिमूव हो सके हाउ मैनी टाइम्स डज हर्ट बीट्स इन वन मिनट इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में स्पेंड कितने टाइम हर्ट बीट होता है वन मिनट में इसका आंसर स्टूडेंट सेवेंटी से एटी टाइम्स तक कि वन मिनट में हमारा हर्ट सेवेंटी से एटी टाइम्स तक हर्ट बीट करता है सो so, स्टूडेंट इसका आंसर आप लिख लेंगे सेवेंटी टू एटी टाइम्स सो so, स्टूडेंट्स आज आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर अपने फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है ओके स्टूडेंट थैंक यू